कैसे आप सब? मैं रूबल धनखड़, आप देख रहे हैं रूबल धनखड़ फिटनेस। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने पिछले 15 साल के जो ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी की स्किनी टू मसल्स मैंने की है, उसकी मैं एक कोलाज में 2002 जब मैंने जिम स्टार्ट किया, 23 सितंबर मुझे याद है क्योंकि मेरा बर्थडे डेट है, तब से लेकर 2017 तक के करंट तक के पिक्स उसमें डालूंगा और सबके बारे में हिस्ट्री टू हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको, कैसे मैंने शुरू किया, कैसे मैं जिम गया, क्या क्या मैंने डाइट फॉलो की। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको ये वहम दूर हो जाएगी, बॉडी बनाना कुछ महीनों कुछ दिनों का खेल है। हाँ, आप शॉर्टकट अपना के बना सकते हो लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि वो आपने शॉर्टकट लिया तो धीरे धीरे चल के ही आदमी का सफ़र पूरा होता है, एकदम से भाग के नहीं। कछुए वाला काम कीजिए और रैबिट वाला काम मत कीजिए कि एकदम से भागा और थक गया। तो बॉडी में भी वही है, आप थोड़ा थोड़ा करके ही गेन पा सकते हो। जितनी जल्दी शॉर्टकट लोगे वो आपका लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, वो जितना जल्दी भागोगे उतना जल्दी निकल जाएगा। तो उस बारे में ये वीडियो है, कैसे मैंने अपनी बॉडी पे काम किया, कैसे सीखा, कैसे मेरे फादर मुझे जिम में लेके गए थे, कैसे मेरे फादर ने सिखाया कि वर्कआउट कैसे करो। तो ये चीज़ें घर से ही चलती है, कुछ अच्छे जेनेटिक्स होते हैं और कुछ आप अपनी मेहनत से करते हो। मैंने देखा है कि आज के टाइम ऐसा है कि 3 महीने में आप बॉडी बना लेते हो, उसके बाद जैसी आपकी पहले थी आप उससे भी गए गुजरे हो जाते हो। तो यही चीज़ को लेकर मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो देखते रहिए, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद। जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं वो उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है क्योंकि साल दर साल मेहनत करने के बाद ही उनकी मसल ग्रो कर पाती है। और आजकल का शॉर्टकट ट्रेंड ऐसा बन गया है कि जिम में जाते हैं और सीधा ये डिमांड करते हैं कि सर मेरे को ऋतिक जैसे बाइसेप्स चाहिए या मेरे को जॉन इब्राहिम जैसी मसल चाहिए। आप दूसरे को देख के इंस्पायर होना सीखिए, कॉपी मत करिए क्योंकि कॉपी कैट करने के चक्कर में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और दूसरे का फायदा करते हैं। मैं ये खुद रोज देखता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि इसकी बॉडी है, इसने पता नहीं क्या लिया होगा। नहीं भाई, आपको लेने से पहले आप ये सोचिए कि उसने कितने साल मेहनत की है, कितने साल उसने डाइट रखी है। मुझे याद है आज तक मैं आपको जो फोटो दिखाऊंगा उसमें मैं अनफिट नहीं हूँ और 15 साल अपने आप को फिट रखना, जिसमें कि मेरे साथ एक्सीडेंट भी हुआ है, मेरी एक बहुत बड़ी सर्जरी भी हुई है मेजर, उसके भी मैं पिक्स डालूंगा इसमें। और अप एंड डाउन होते हैं, जैसे पुलिस ट्रेनिंग के दौरान मैं 17 महीने घर से बाहर रहा एक टाइट शेड्यूल में, जिसमें डाइट का भी उल्टा सीधा होता है, फिर भी मैं जिम जाता था रात को। तो ये बहुत मेहनत का काम है अपने आप को। शादी है, बाहर पार्टी है, ना पार्टी में जाना ना शादियों में जाना ना कुछ खाना, ये सामान से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनती 70% डाइट से। यही लोगों का वहम है, इस वहम को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको देखें और शेयर जरूर करें।
Whoa.